महिला साहित्य समागम जो आयोजन हो रहा है वामन साहित्य और घमासान के तत्वावधान में, तो उस कार्यक्रम का स्वरूप क्या है? दरअसल एक यूनिक तरह का प्रोग्राम है। पूरे देश में आपने देखा होगा कि आजकल गली मोहल्लों में भी साहित्य उत्सव होने लगे हैं और देश के हर शहर में हर जगह पर एक बड़े बड़े साहित्य उत्सवों का आयोजन होता है। लेकिन एक चीज की कमी साहित्य जगत में महसूस की जा रही थी कि महिलाओं के लिए, वो महिला साहित्यकारों के लिए एक आयोजन की कमी थी। वो आयोजन घमासान.com ने सोचा और वामा साहित्य मंच के साथ हम लोग पिछले साल से ये कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का स्वरूप कुछ इस तरह से है कि ये महिला साहित्यकारों का, मतलब ऐसी महिलाएं जो कहीं न कहीं रचना कर्म में लगी हुई हैं, जिनका अपना सृजन है, वो चाहे कहीं कविता लिखती हों, वो लघु कथा लिखती हों, वो उपन्यास लिखती हों, या जिस भी विधा में उनका काम हो, उन सभी को एक मंच देना, उनको एक सामूहिक मंच उपलब्ध कराना, ताकि वो आपस में अपनी चुनौतियों पर, अपने विचारों पर, अपने कृतित्व पर, अपने व्यक्तित्व पर और अपने अनुभवों का आदान प्रदान कर सकें और इससे सभी महिलाओं को लाभ हो। ये हमारा एक ध्येय था और इसीलिए इस आयोजन को हम कर रहे हैं। आने वाले प्रतिभागियों को उनकी रचना प्रस्तुत करने के लिए क्या मंच दिया जाए? निश्चित तौर पर, जैसा कि मैंने कहा कि महिला साहित्यकारों का ही आयोजन है, तो जो भी प्रतिभागी इसमें देश भर से आ रहे हैं, पटना से हैं, बंगाल से हैं, उत्तराखंड से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, हरियाणा से हैं, दिल्ली से हैं, कई सारे प्रतिभागी इसमें आ रही हैं। उसमें कुछ नई लेखिकाएं भी हैं और कुछ प्रतिष्ठित लेखिकाएं भी हैं जो अपना नाम लेखन के क्षेत्र में कर चुकी हैं। तो एक समन्वय का काम हम लोग कर रहे हैं। इस समन्वय का काम कुछ इस तरह से कि जो नई लेखिकाएं हैं उन सभी को हम रचना पाठ का भी अवसर दे रहे हैं, वो वहाँ रचना पाठ कर सकती हैं। उसके अतिरिक्त हम सारी जितनी महिला लेखिकाएं हैं उनसे हमने एक एक रचनाएं मंगाई हैं और इनका एक साझा संग्रह हम लोग यहाँ से प्रकाशित करेंगे, जिसमें जितनी भी प्रतिभागी हैं उनकी कम से कम एक एक रचना उसमें आ जाए, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। तो उस संग्रह का विमोचन भी हम वहाँ करेंगे और उस संग्रह को भी सभी को दिया जाएगा, ऐसे हमारी कोशिश है। आने वाले प्रतिभागियों को कैसे प्रोत्साहित किया जाएगा? जैसा कि मैंने कहा, उनके प्रोत्साहन के लिए कई सारी चीजें हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, जो साहित्य उत्सव से इस कार्यक्रम को अलग करती है, साहित्य उत्सव में एक इंट्रेक्शन सेशन होते हैं लेकिन वो उतने नहीं होते, उनका अपना एक तरीका है, वहाँ से प्रेजेंटेशन होता है और अमूमन वन वे कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पर हमने ऐसी कोशिश की है कि टू वे कम्युनिकेशन चले। जितनी नई लेखिकाएं आ रही हैं और जितने नए साहित्यकार वहाँ पर जुट रहे हैं, वो पुराने और अनुभवी लोगों के साथ बैठें, दो दिन उनके साथ बातचीत करें। ये एक कार्यशाला जैसा है, एक सेमिनार जैसा है और कुल मिला के एक पारिवारिक सा आयोजन है, जिसमें जो नए लोग आ रहे हैं अपनी प्रतिभा के साथ, वो पुराने अनुभव के साथ, और जो पुराने लोग अपने अनुभव के साथ वहां पर हैं, वो नए विचारों के साथ अपना एक सामंजस्य बिठा लें और एक दूसरे को निश्चित तौर पर प्रोत्साहित करेंगे। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।